आज के फनकार। दोस्तों नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम हिंदी सिनेमा के एक अजीमुशान अभिनेता, निर्माता और निर्देशक की बातें करने जा रहे हैं। इनकी आवाज ही इनकी पहचान है। ये हैं सोहराब मोदी। ऐ निगहबाने वतन, ऐ मर्द मैदाने वतन, तेरे दम से है बहारों पर गुलिस्ताने वतन। तुझ पे जानो दिल फिदा, हस्ती फिदा, मस्ती फिदा, तुझ पे हम बेकस गुलामों की ये कुल बस्ती फिदा। आह तेरी अर्जमंदी को पहुंच सकता है कौन, तेरी रूहानी बुलंदी को पहुंच सकता है कौन। सोहराब मोदी को सही मायनों में वतन परस्त अभिनेता, निर्माता और निर्देशक कहा जा सकता है। दरअसल उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो किसी न किसी सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दे की बात कहती थी। वो जनता के भीतर जागृति फैलाने की बात करती थी। सोहराब मोदी ने सिनेमा को एक बड़ा ही मजबूत माध्यम माना था समाज में बदलाव लाने का, और ये बात उन्होंने विविध भारती पर बरसों पहले एक जयमाला कार्यक्रम पेश करते हुए कही भी थी। मैं सिसिल बी डेमिल की अंग्रेजी फिल्में बहुत देखा करता था तब, और उनसे मुतासिर होकर मैं अपने देश की तवारीख पर गौर करने लगा। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि हमारे देश को ऐसी फिल्मों की बहुत जरूरत है। अपने देश की जनता को जगाने के लिए, देश के बच्चों को देश की महानता का ज्ञान कराने के लिए यही एक जरूरी और कारगर मीडियम था, ताकि वे अपनी तवारीख से अनजान न बने रहें। दूसरी बात ये कि तवारीखी फिल्म का कैनवास जितना बड़ा है, सोशल फिल्मों का नहीं। मैं हमेशा बड़े कैनवास पर तस्वीरें खींचने का ख्याल रहा हूँ, ये वजह भी मुझे इस ओर ज्यादा खींचती रही। तीसरी वजह ये कि हर कलाकार अपनी कला के पनपने के लिए अधिक से अधिक स्कोप चाहता है, जो मेरे ख्याल से ऐसी फिल्मों में ही मिल सकता था मुझे। हर कलाकार की अपनी एक रुचि होती है। मेरी रुचि इसी तरह के पात्रों में अधिक थी। कलाकार में खास ऐतिहासिक पात्रों को अपने में जज्ब कर लेने की योग्यता चाहिए, और फिर सबसे जरूरी बात यह कि उसके दिल की लगन और बेचैनी उस पात्र को सही रूप में रखने की काबिलियत रखता हो। मैं उन ऐतिहासिक घटनाओं से इतना प्रभावित हो चुका था कि पृथ्वी वल्लभ, झांसी की रानी या सिकंदर को मैं जीता जागता देखता था। मेरी ये फिल्में काफी पहले बनी हुई हैं। आपको बता दें कि सोहराब मोदी का जन्म मुंबई में हुआ था, और वो एक पारसी थिएटर एक्टर हुआ करते थे। कुछ खामोश फिल्मों में भी उन्होंने अभिनय किया था। शेक्सपियर शैली के नाटकों में अभिनय करने के लिए वो काफी मशहूर हो गए थे। उनके भाई की थिएटर कंपनी थी जो सारे देश में घूमती थी, और टूरिंग थिएटर कंपनी के जरिए अलग अलग शहरों में नाटक खेले जाते थे। सोहराब मोदी इस थिएटर कंपनी के लिए काम करते थे और दर्शकों के बीच खूब वाहवाही बटोरते थे। आए दुनिया मक्का अय्यार, तुझ पर खुदा की मार, तू वो जाम है जो बादे फिस्क और फुजूर से भरा है, तू वो चमन है
जो हवाए मासियत और फरेब से हरा है। है कोई चीज के मिसल नाम है उनका, लोग किस चीज को दुनिया में वफा कहते हैं। मले का अख्त करे बाद वफात सुल्तान, ये बेहयाई नहीं तो इसे क्या कहते। अफसोस मेरे बाप की मौत को मुद्दत भी गुजरने ना पाई कि शादी रचाई, और वो भी मेरे बाप का भाई। अय औरत ना सजाई, तुझे सूरत क्यों कर पसंद आई। जिन हाथों का वरम भी उतरने ना पाया, तिस पर मेहंदी का रंग चढ़ाया। कहां वो सुल्तान आदिल और कहां ये शैतान नाकाबिल। कहां नूर कहां नार, कहां फूल कहां खार। नूर का तौर नार ने पाया, जूर का जोर जार ने पाया। अफसोस अगर मेरे बाप का इंतकाल न होता तो हरगिज ये बबाल न होता। सन 1935 में सोहराब मोदी ने स्टेज फिल्म कंपनी की शुरुआत की और अपनी फिल्म बनाई खून का खून। ये फिल्म शेक्सपियर के नाटक हेमलेट पर आधारित थी। इसके बाद उनकी दूसरी फिल्म आई जिसमें अभिनेत्री नसीम बानो ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। ये फिल्म थी सैयद ए हवस। ये सन 1936 में आई थी और शेक्सपियर के नाटक किंग जॉन पर आधारित थी। सन 1936 में सोहराब मोदी ने अपनी नई फिल्म कंपनी लॉन्च की मिनर्वा मूवी टोन। मिनर्वा मूवी टोन के तले सोहराब मोदी ने जो शुरुआती फिल्में बनाई वो किसी ना किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित थीं, जैसे कि सन 1938 में आई फिल्म मीठा जहर शराबखोरी के मुद्दे पर आधारित थी और ये दिखाती थी कि शराब का नशा किस तरह से घर परिवार और समाज को बर्बाद करता है। सन 1938 में ही उनकी फिल्म आई तलाक। ये फिल्म तलाक की शिकार महिलाओं पर आधारित थी और ये बताती थी कि किस तरह से जिन महिलाओं के पति उन्हें तलाक देकर चले जाते हैं उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। अब आपको ये बताया जाए कि मिनर्वा मूवी टोन की तीन जानी मानी फिल्में कौन सी थीं जिन्होंने एक फिल्म कंपनी के तौर पर मिनर्वा की जड़ें खूब गहरी कर दी। सन 1939 में आई सोहराब मोदी की नायाब फिल्म पुकार। जहांगीर नहीं चाहता कि जमाने के सामने अपने कानून को तलबुन मिजाज साबित करें। इसमें मां बदौलत के उसूलों को धक्का लगता है, इसमें जहांगीरी इंसाफ की तौहीन होती है। गुलाम की ये इल्तिजा सारे दरबार की इल्तिजा थी जो नामंजूर फरमाई गई। माँ बदौलत इस मामले में दुनिया भर की इल्तिजाओं को भी नामंजूर फरमा देने पर आमादा है, मगर ये गवारा नहीं फरमा सकते कि किसी बहाने का सहारा लेकर अपने इंसाफ को धोखा दें या अपनी ताकत अपनी बादशाहत अपने अख्तियारात और अपने रोबेशाही से नाजायज फायदा उठाकर कानून की बात दूसरी तरफ मोड़ ले जाएं। मुजरिम के भेस में रियाया और बादशाह की एक ही जैसी शक्लें हो जाती हैं, फिर कानून कैसे एक जैसी शक्लों में किसी को पहचान सकता है। इसलिए माँ बदौलत के इंसाफ का आलम झुककर मलका के कदमों को बोसा नहीं दे सकता। आइंदा कता कलामी की किसी को जरूरत ना हो, एक तीरो कमान मजलूमा के हवाले किया जाए। तुम मलिका थी, लेकिन मलिका होने का तुम्हारे ये मतलब नहीं था कि तुम एक जिंदगी के साथ खेल सको। अपनी तफरी के लिए तुम जिंदगी जैसी अनमोल चीज की परवाह ना करो। आज दुनिया ने यह जान लिया है कि न्याय के गड़े हुए कदम एक जमाने से टक्कर लेकर भी नहीं उखड़ सकते। इंसाफ की ठोकरें चाहे तो जमाने को ठुकरा सकती हैं। फिल्म पुकार दरअसल मुगल बादशाह जहांगीर के जीवन पर आधारित थी और एक काल्पनिक घटना इसमें जोड़ दी गई थी जो ये दर्शाती थी कि मुगल बादशाह किस तरह से इंसाफ करते थे और इंसाफ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। चंद्रमोहन और नसीम बानो जैसे अभिनेताओं और कमाल अमरोही की बुलंद आवाज के जरिए फिल्म पुकार ने दर्शकों के दिलों पर राज किया और ये फिल्म भारतीय सिनेमा की एक जबरदस्त फिल्म मानी जाती है। सन 1941 में सिकंदर महान की कहानी पर आधारित उनकी फिल्म आई सिकंदर। अपने बादशाह से जाकर कहो कि आज तक उसने हिंदुस्तान की तलवारें देखी हैं, अब वो हिंदुस्तान के तलवार बाज देखेगा।
मेरे बादशाह ने महाराज की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये दोस्ती का हाथ नहीं, एक फाते का हाथ है। वो चाहता है कि हम एक गुलाम की तरह उसके सामने घुटने टेक कर उसके हाथ को चूमे और वो एक मालिक की तरह हमारी पीठ को थपथपाए। गुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है, अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा। तो मैं जाकर क्या कहूँ? कहो आपने हमारा अपमान किया है, हम इस अपमान का जवाब तलवार से देंगे। फिल्म क्रिटिक्स मानते हैं कि सोहराब मोदी की सबसे महान फिल्म थी सिकंदर। ये फिल्म सन 1941 में आई थी और सिकंदर की भूमिका सोहराब मोदी ने पृथ्वीराज कपूर को सौंपी थी। कहते हैं कि ये फिल्म पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की ऊंचाई थी। उस जमाने में जिस तरह से फिल्म सिकंदर का निर्माण किया गया था, उससे फिल्म क्रिटिक्स ने यही कहा कि ये फिल्म हॉलीवुड की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों से टक्कर ले सकती है। फिल्म सिकंदर जब रिलीज हुई थी तब दूसरा विश्व युद्ध अपने शिखर पर था, चारों तरफ तनाव का माहौल था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, देशभर में राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी। फिल्म सिकंदर ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत किया। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्म सिकंदर के फौजी छावनियों में दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेज सरकार को डर था कि इस फिल्म को देखकर फौजी भी बगावत पर उतर आएंगे। फिल्म पृथ्वी वल्लभ कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में सोहराब मोदी और दुर्गा खोटे ने अभिनय किया था। आपको ये जानकर हैरत होगी कि सोहराब मोदी ने फिल्म जेलर का निर्माण पहले तो सन 1938 में किया था और उसके बाद इसी फिल्म को उन्होंने सन 1958 में दोबारा बनाया। इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए। कहा है आराम कहा।
खुद बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, फिर भी मुझसे हमेशा राय ले लेते थे। मैं उनके साथ हमेशा एडजस्ट करने की भी कोशिश करता था, जैसा कि एक एक्टर को डायरेक्टर के साथ पेश आना चाहिए उसी तरह। कलाकार खास सीन और शॉट में सिर्फ अपने किरदार को उभारना चाहता है, जबकि डायरेक्टर की नजर कहानी, सीन, वातावरण सब पर पूरी पूरी होती है। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कुसूर, ये मेरा दीवानापन है। सन 1957 में सोहराब मोदी की फिल्म आई नौशेरवानी आदिल। हंस रहे हैं फूल जो गा रहा है गुल सितां, गा रहा है गुल जहां, गा रहा है आसमां, तू ही तू की है सदा, तू ही तू की है सदा, लाख में हजार में भूल जाए सारे गम। शर्म से जो है डरी आ नहीं रही हंसी, बेखुदी में बेखुदी कर रही है गुदगुदी, हम नहें करार में, हम नहें करार में, दिल है करार में, भूल जाए सारे गम, डूब जाए प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में, भूल जाए सारे गम। सन 1950 में सोहराब मोदी की फिल्म आई शीश महल। आपको बताएं कि इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी ही दिलचस्प घटना है। मुंबई के मिनर्वा थिएटर में इस फिल्म का एक शो चल रहा था। सोहराब मोदी बीच बीच में ये देखने के लिए जाया करते थे कि दर्शकों पर फिल्म का किस तरह का असर पड़ रहा है और वो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। सोहराब मोदी ने देखा कि सामने की रो में एक व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा हुआ है।
उन्हें लगा कि शायद उस बंदे को फिल्म अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है। बाद में उन्होंने उस व्यक्ति से मुलाकात की और उससे कहा कि अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आप सिनेमा हॉल से बाहर जा सकते थे और मैं व्यवस्था कर देता, आपकी टिकट के पैसे आपको वापस मिल जाते। उस बंदे ने कहा कि उसे दिखाई नहीं देता और वो थिएटर में इस फिल्म को देखने के लिए, बल्कि ये कहें कि सुनने के लिए बार बार आता है, आंखें बंद करता है और सुकून से सोहराब मोदी के संवाद सुनता है। मेरी हमेशा ये आदत रही कि मैं अपने रोल को बखूबी समझ लूं तब आगे बढ़ूं। अपने डायलॉग याद करने और एक एक एक्शन सोच लेने के बाद ही कैमरा के सामने आऊं। जैसे अपनी पहली फिल्म हेमलेट यानी खून का खून के लिए इस डायलॉग को इतना याद कर रखा था। हुस्न वालों की गलियों में जाना नहीं, जहर खाना मगर दिल लगाना नहीं, हुस्न वालों की। सन 1953 में सोहराब मोदी की पहली टेक्निकलर फिल्म आई झांसी की रानी। इस फिल्म के लिए सोहराब मोदी ने हॉलीवुड के टेक्नीशियंस को बुलाया था। मेहताब ने इस फिल्म में रानी झांसी की भूमिका निभाई थी। सन 1954 में सोहराब मोदी ने अपने करियर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म बनाई। ये फिल्म थी मिर्जा गालिब। मेरी फिल्म मिर्जा गालिब में शायर के जमाने का खास माहौल मुझे दिखाना था। बहुत पढ़ने समझने के बाद अपनी कल्पनाओं से जो सीन मैंने फिल्माए उसकी लोगों ने जी भरकर तारीफ की। कितनी ही फिल्मों में पुराने जमाने को देखकर कभी कभी हम नकली को भी असली मान लेते हैं, यही निर्देशक की खूबी है। मिर्जा गालिब फिल्म के कई वाकयात जहन में उभरने लगे हैं, लेकिन खुद मिर्जा गालिब की शख्सियत उन सब पर भारी है, और ये गजल तो खास कर। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। Thank you.
इस दर्द की दवा क्या है। आपको बता दें कि इस फिल्म को सन 1954 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्ड मेडल मिला था। सन 1955 में सोहराब मोदी की फिल्म आई कुंदन। हमें दुनिया में क्यों पैदा किया तूने, हरी बेटे के ओठे फेर ली, ये क्या किया तूने जहां वाले। सन 1960 में उन्हें 10वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी के मेंबर के तौर पर बुलाया गया था। ये उस समय के अभिनेता, निर्माता और निर्देशक के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। सन 1980 में सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण और जबरदस्त योगदान के लिए भारत सरकार ने सोहराब मोदी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1984 में 28 जनवरी को सोहराब मोदी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया था। रहिए अब ऐसी जगह, चलकर जहां कोई न हो, हम सुखन कोई न हो, हम दबा कोई न हो, रहिए अब के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता, निर्देशक और अभिनेता सोहराब मोदी पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।